नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि 9 दिनों में कौन सा व्रत का खाना खाना चाहिए, उपवास के कौन से व्यंजन आपको खाने चाहिए, ये मैं बता देती हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। व्रत की आलू की सब्जी खानी चाहिए, लौकी का हलवा, आलू की दही वाली सब्जी, शकरकंद का हलवा, मूंगफली की कटली, कट्टू की पकौड़ी, काजू और मखाने की करी, अरबी के कटलेट, मेवा की खीर, आलू का हलवा, सिंगाड़े के आटे की पूरी, साबुदाना खिचड़ी, साबुदाना वड़ा, व्रत के नमकीन, कुट्टू की पूरी, कुट्टू की खिचड़ी, नारियल के लड्डू, पके हुए केले की बर्फी, सिंगाड़े के आटे की कड़ी, केसरिया श्रीखंड, सिंगाड़े आटे का हलवा, कद्दू का हलवा, खसखस का हलवा, साबुदाना के लड्डू, साबुदाना का थालपीठ, व्रत के लिए बनी हुई आलू टिक्की, व्रत के लिए बना पनीर मसाला, व्रत के लिए बना हुआ पनीर दही वड़ा, काजू खजूर का मिल्क शेक, खरबूजा, नारियल की स्मूदी, फ्रूट योगर्ट, बादाम मिल्क, आम और केले का शेक, चीकू मिल्क शेक, पनीर की खीर, बेल का शरबत, ये सब कुछ आप खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो फ्रूट और वेजिटेबल मिक्स कर सलाद बना सकते हैं। स्वाद के लिए आप इसमें सेंधा नमक और काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके पेट को जल्दी भर देगा और स्वाद भी देगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद घंटे के बटन के पर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सब्सक्रिप्शन करना फ्री है तो जल्दी से कर दीजिएगा। अगर आपको साबुदाने की खीर पसंद नहीं है तो मिर्च वाला खाना भी, साबुदाने की खीर आपको पसंद नहीं है और मिर्च वाला खाना भी आपको पसंद नहीं है तो आप साबुदाने की मीठी खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। इसे घी और शक्कर के साथ बनाया जाता है, इससे ताकत भी आती है। आलू चिप्स या अन्य तली हुई चीज़ों को खाने के बजाय आप कुट्टू या सिंगाड़े के आटे से बनी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। इन्हें स्वादानुसार मीठा या नमकीन बनाया जा सकता है। इसके साथ आप कुछ फल, खीरा, टमाटर ले सकते हैं। आलू का अत्यधिक प्रयोग करने के बजाय आप दही में कुट्टू का आटा, मूंगफली के पिसे हुए दाने, आलू डालकर फरियाली कढ़ी बना सकते हैं। यह स्वाद और सेहत के लिए अच्छी होती है, इससे गैस और पेट की अन्य समस्याओं से बचाव होता है। कुट्टू या सिंगाड़े के आटे की पूरी बनाने के बजाय आप इसकी रोटी बना सकते हैं, यह हेल्थ के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। व्रत में अगर आप साबुदाने की खिचड़ी बनाकर खाते हैं और साबुदाना आपको नुकसान पहुंचाता है तो आप इसमें दही का प्रयोग कर सकते हैं, इससे आपको अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी, दही पेट की परेशानियों को खत्म कर देगा और इसे बार बार प्यास भी नहीं लगेगी। अगर तला हुआ और मसालेदार कुछ न खाना हो तो आप दूध और केले का बना मिल्क शेक दिन में 2-3 बार पी सकते हैं, इससे भूख भी नहीं लगेगी और पूरा दिन एनर्जी बनी रहेगी। फ्रूट रायता भी आपको जरूर पसंद आएगा और आपकी भूख पूरी करने के लिए मदद करेगा। दही में अपने अनुसार फलों और सूखे मेवे को मिलाकर आप रायता बना सकते हैं, इससे आपको ताकत भी मिलेगी और आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी। सूखे मेवे का सेवन आपकी ऊर्जा और कैलोरी दोनों को बढ़ाता है। इनका कम मात्रा में सेवन करने पर भी आपको कुछ और खाने की जरूरत महसूस नहीं होती है। आपको अगर तरह के पदार्थ ही लेने हैं तो कुट्टू सिंगाड़े के आटे के दूध के साथ मीठी कड़ी बना सकते हैं। इसके अलावा शकरकंद का हलवा, उबले हुए कंद का भी आप अपने शरीर को देर तक एनर्जी देने के लिए आप इसका खाने में उपयोग कर सकते हैं। तो ये था नवरात्रि के व्रत के लिए खाना। इस व्यंजनों को आप बनाकर अपने शरीर को निरोगी, तंदुरुस्त और हेल्दी भी बना सकते हैं और साथ साथ ही आपका पेट भी भरा रहेगा और आपका व्रत भी संपन्न हो जाएगा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ